मध्य प्रदेश के कटनी से खबर आ रही है, जहां नदी पार करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डीमरगढ़ खेड़ा के ग्राम पंचायत लालपुर सगमा पुल टूटने से स्कूली बच्चे और ग्रामीण नदी पार करते नजर आ रहे हैं। देखा जा सकता है ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बरसात के मौसम में नदी नाले उफान पर हैं, ऐसे में बच्चों को इस तरह नदी में उतरना चिंता का विषय है। जानकारी के मुताबिक 2 साल से टूटा पुल अब तक नहीं बन पाया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उनकी पीड़ा नहीं सुनी जा रही है। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। वहीं इस पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कटनी से जाहिद हुसैन संवाददाता जुड़ चुके हैं। बताइए जाहिद जी, क्या है वहाँ के हालात अभी? जैसा कि वहाँ भीमर खेड़ा का तस्वीर सामने आई है, नदी है जिसका नाम है नदी, जो बच्चे नदी पार कर रहे हैं और जो ब्रिज है वहाँ पे ग्राम पंचायत जो गोपालपुर है, पिछले 2 वर्ष से पुल टूटा हुआ है जी। उसके बावजूद वहाँ ग्राम पंचायत है, वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है उन्होंने अभी तक उस पुल को बनवाने का कोई प्रयास नहीं किया। गाँव वाले सारे लोग आने जाने के लिए मार गए। ग्रामीण इस हालात को लेके क्या कर रहे हैं? प्रशासन को संज्ञान में लिया गया है कि नहीं इस चीज को लेके? प्रशासन को तमाम तरह की जानकारियां हैं, हालात से वाकिफ है, परंतु अभी तक किसी भी तरह से इस पुल को बनाने का कोई प्रयास अभी तक नहीं किया गया। आपने अधिकारी, जो स्थानीय अधिकारी है उनसे आपने बातचीत की, क्या क्या बताया उन्होंने? क्योंकि अभी हाल ही में छुट्टियों का समय चल रहा है, अधिकारियों से संपर्क किया, करने प्रयास किया गया, पर अभी किसी बात नहीं हो पाई, परंतु संज्ञान में सभी अधिकारियों के इस घटना के बारे में सभी को जानकारी है। क्या लगता है जाहिद जी कि ऐसे हालात में समाधान के संकेत कब तक दिख रहे हैं, समाधान कब तक हो पाएंगे, क्या लगता है? इस समस्या से सभी वहाँ के सांसद हो या विधायक हो या वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है सभी को मालूम है, क्योंकि इसको सार्थक लेके प्रयास करना चाहिए। अभी ने और किसी ने कदम नहीं बढ़ाया है, अब देखना होगा जनप्रतिनिधि या विभागीय अधिकारी इस ओर कब आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं। ये वक्त के हिसाब से उन्हें पुल को बनवाना चाहिए ताकि ग्रामीणों को परेशानी से निजात दिया जा सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद जाहिद हुसैन जी। नदी पार करने का वीडियो एक वायरल हो रखा है, जिसमें डीमर खेड़ा के ग्राम पंचायत लालपुरा सगमा में स्कूली बच्चे और ग्रामीण नदी को लेकर काफी परेशान है, नदी में पार कर रहे हैं। पुलिया नहीं होने की वजह से उन्हें जान जोखिम में डाल के अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जाना पड़ रहा है। जैसा कि आप साफ देख सकते हैं वीडियो में कि स्कूली बच्चे कैसे ये नदी पार करके अपने स्कूल में जा रहे हैं, और ग्रामीण भी इससे काफी परेशान है। जैसा कि आपने सुना कि बहुत बार ग्रामीणों ने संज्ञान में लिया है प्रशासन को, लेकिन फिर भी कोई पहल नहीं की गई है प्रशासन की तरफ से। ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसपे बच्चे और बच्चों के साथ साथ ग्रामीण और विद्यार्थी भी पार कर रहे हैं इस नदी को। देखते हैं कब तक क्या कुछ किया जाता है इस मामले को लेकर।